इसी तरह जो और इत्तेहाद का सबसे जो मेन बुनियाद था कि इत्तेहाद किस चीज़ से कायम किया जाता है वो क्या था, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, हदीस नंबर 54, कि तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते ए मेरे साहबा ए लोगों, तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक कि तुम ईमान ना लाओ। बुनियाद है वो, उसके बिना कोई जा ही नहीं सकता जन्नत, उसकी बुनियाद ईमान, उसको लाना पड़ेगा तब वो जा हो सकता है। और तुम मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि तुम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करने लगो, तब मोहब्बत नहीं है तो मोमिन नहीं है, अपने आप को चाहे जो कहता रहो जो कहता हो तो वो मोमिन नहीं है, क्योंकि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत नहीं तो वो फिर मोमिन नहीं है। और मैं ए मेरे सहाबा ए लोगों में तुमको ना बता दूँ कि वो मोहब्बत क्या है, वो मोहब्बत कैसे कायम होगी, कैसे बढ़ेगी, तो वहाँ जो बताया गया जो मेन है मेन मकसद के कैसे बढ़ेगी ये मोहब्बत, तो मोहब्बत के तुम आपस में सलाम को आम करो, सलाम को आपस में फैलाओ, क्योंकि सबसे पहला जरिया एक दो जने मिलते तो सलाम होता, लेकिन सलाम को हमने मखसूस कर लिया, या तो लोग सलाम को जो इनमें इख्तिलाफ भी नहीं तो करते ही नहीं, और सलाम तो जब करेंगे तो दाढ़ी टोपी वाला दिखे तब वो करेंगे, नहीं तो करते ही नहीं। या एक दूसरे की जमात से सलाम नहीं करना, किसी ने तो उस पर फतावी दे दिए कि इससे सलाम करना ही बेकार है, तो ये सबसे पहली बुनियाद थी हमने छोड़ दिया, आपस में एक दूसरे को सलाम नहीं करते, सलाम को आम करो। तो ये तो अफसोस की बात है कि कौम के बड़े रोकते हैं कि एक दूसरे से सलाम मत करो उस मसलक के लोगों से, और कितने खिलाफ है कुरान और हदीस के कितने खिलाफ जा रहा है, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लम ने बतला दिया। तो ये हम देखते हैं तो सलाम कलाम बंद कर परवा दिए, इसको भूल भी गए, बल्कि हम तो करते ही नहीं एक दूसरे से। तो ये इख्तिलाफ और इत्तेहाद की बुनियाद था, तो आज इख्तिलाफ में हम पढ़े हुए। अल्लाह ने फरमाया सूरह हुजरात सूरह नंबर 49 आयत नंबर 9-10 में कि मुसलमान की जमात में अगर आपस में लड़ाई हो जाए तो तुम मिलाप करा दिया करो। क्या कहा उसके अंदर, तो हमारे यहाँ होता है कि लड़ाई हो गई, मुसलमान दो मुसलमान एक जमात का दूसरे जमात से लड़ गया, तो वो आकर कहे कि भाई वो जमात का इससे लड़ गया, तो ये पूरी जमात आ जाएगी, चलो कैसे लड़ गया उसके, तो ये कर देंगे वो कर देंगे, हमारे फ़र्द को कैसे उसने कर दिया, जबकि कहा कि दोनों मुसलमान हैं तो इसमें तो ये लड़ाई हो गई, भाई बैठो, दोनों में से बुलाए कि भाई बैठो, इख्तलाफ तुम्हारा ख़त्म करेंगे हम, आपस में फैसला उनमें करवा दिया करो, ये कह रहा है कुरान। और फिर अगर दोनों लड़े तो फिर तुम इनसे लड़ो, किन से लड़ो, कि अगर तुमने बुनियाद किसी बुनियाद पर उनसे फैसला करा दिया कि भाई इस चीज़ पर तुम्हारी हमने जो है फैसला कर दिया और इसके खिलाफ अब तुम दोनों नहीं करोगे, अगर उसके खिलाफ फिर वो दोनों करते हैं तो फिर जिसने अगर ये जाति की तो तुम सब मिलकर उससे लड़ो, ताकि वो इख्तलाफ वहीं ख़त्म हो जाए, उसको मालूम पड़ जाएगा ये तो सब एक हो गए इस फैसले की बुनियाद पर जो अल्लाह ने कहा था, तो वो दब जाए वहाँ पर, ताकि तुम्हारे अंदर फिर तफरके ना पड़े, तो वो उसमें कहा गया। तो वो जाति करे तो वहाँ तक लड़ो जब तक कि अल्लाह का हुक्म की तरफ ये लौटना है, तो अल्लाह के हुक्म की तरफ लौटना है, जब तक तुमको सबको मिल के उससे लड़ना है जो मुखालफत करता है अल्लाह के उसकी, तो इंसाफ करो, अल्लाह इंसाफ करने वाले से मोहब्बत करता है। और याद रखो मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, वो दो भाइयों में मिलाप करा दिया करो, या कुरान में फरमा दिया वसूल इख्तिलाफ़ ख़त्म करने के लिए कि ये आपस में तुम ये ना करो, तो अल्लाह से डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए। और हम ये बात है कि हमारा इख्तिलाफ होता है तो हम डरते ही नहीं कि भाई अल्लाह की रहमतें हमसे छीन रही है, फरिश्ते दूर हो जाते हैं दो जने लड़ते हैं उससे, तो इतनी बड़ी नेमत सब कदर की हमारी छीन गई आपस में लड़ने की वजह से, तो रहम ख़त्म हो जाता है, रहम आता ही नहीं है। तो अगर तुम चाहते हो तो ये काम करो तो तुम पर रहम किया जाएगा।